उबलने के लिए रखा। अभी ये आधा पाव गरी, आधा पाव किशमिश, एक पाव बादाम, ये मैंने निकाल के काट लिए हैं, 10-12 इलायचियाँ और 1 किलो चीनी। इसको मिक्स करके हम पकाएंगे, बहुत ज़बरदस्त खीर बनेगी। आज ईद मिलाद नबी है, हम नियाज बांटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए जी, आज ईद मिलाद नबी है, हम नियाज बना रहे हैं। ये मैं दूध लेके आऊँ, 6 किलो और आधा किलो चावल डालेंगे, बहुत ज़बरदस्त खीर बनेगी। ये देखिए जी, हमारा दूध गर्म हो चुका है, अभी उसमें चावल डालेंगे, उनको 10-15 मिनट पकाएंगे, फिर उसमें डालेंगे एक पाव बादाम, 10-12 इलायचियाँ और आधा पाव गरी, आधा पाव किशमिश, 1 किलो चीनी। बहुत ज़बरदस्त हमारी खीर बनेगी। आज ईद मिलाद नबी है, हम मोहल्ले में बांटेंगे। ये देखिए, ये हमारी खीर गाढ़ी हो रही है, फिर भी इसमें दूसरे मेवे डालेंगे, बहुत मज़े की खीर बनने वाली है। ये देखें, चावल हमने डाल दिए, ये देखें कैसे गाढ़े हो गए। चावलों को बॉयल करके थोड़ा सा मैश करके डालने हैं। ये देखिए, 1 किलो चीनी डालेंगे, चीनी डालने से थोड़ी सी पतली हो जाती है, इसको थोड़ा सा और पकाएंगे 5 मिनट, उसके बाद फिर हम इसमें मेवे डालेंगे। ये देखिए जी, बादाम वगैरह डाल दिए, गरी, मेवा, बादाम डाल के ये देखें 5 मिनट इसको मजीद पकाएंगे, उसके बाद हम हल्ले में तकसीम करेंगे। ईद मिलादुन्नबी की नियाज है, यह हम हल्ले में तकसीम करेंगे। अल्लाह मियाँ कबूल फरमाए, माशाल्लाह जी। ये खीर हमारी तैयार हो गई, जब भी हम बांटने के लिए रखी हैं, कुछ बच्चे दे आए हैं, कुछ ये पड़ी हुई हैं, वर्क लगाए ऊपर चांदी के, चांदी के वर्क मैं स्पेशल लेके आया था। हमारी वालदा चांदी के वर्क लगाती होती थी, मैंने भी कहा मैं भी लगाऊं।